हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का एसएससी बुलेटिन में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो एमई एमटेक के लिए महाराष्ट्र में जो भी अच्छे कॉलेजेस है उसकी लिस्ट में इस चैनल के ऊपर रोज लेकर आ रहा हूँ। यानी उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, ये जो पूरा है पूरा मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो का पार्ट टू है। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं उनको मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि वो पार्ट वन भी देखे, यानी और उनको अच्छे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की, यहाँ पे कौन सी ब्रांच अवेलेबल है। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कॉलेज कोड है 6006। यहाँ पे जो आपको पहली ब्रांच दिख रही है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वो है नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए, और एक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो कि है स्पॉन्सर के लिए। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, हर एक कॉलेज में टू टाइप्स की सीट होती है। एक होती है स्पॉन्सर्ड सीट एंड सेकंड होती है नॉन स्पॉन्सर्ड सीट। स्पॉन्सर है ना, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन और फोरम आपको एजुकेशन के लिए फंड प्रोवाइड कर रहा होगा तो आप स्पॉन्सर सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने खुद के पैसे के ऊपर हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो आप नॉन स्पॉन्सर्ड सीट के लिए अप्लाई करें। तो ये पहली ब्रांच आपको दिख रही है जियो टेक्निकल इंजीनियर। यहाँ पे जो है एक होता है आपका गेट रैंक और सेकंड होता है आपके गेट स्कोर। ये जो आपको दिख रहा है 432 है आपका गेट स्कोर है, और जो 337 दिख रहा है वो आपकी है रैंक। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, यानी ओपन में आते हैं एससी एसटी वीजे एनटी ओबीसी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस। आप आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक कर सकते हैं। सेम दूसरी ब्रांच जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, यहाँ इसमें भी दो टाइप है, एक टाइप है स्पॉन्सर एंड सेकंड टाइप है नॉन स्पॉन्सर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओपन का कट ऑफ कितना है, एससी का कितना है, वीजे का कितना है, एनटी कितना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच आती है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे भी दो पार्ट है, स्पॉन्सर एंड नॉन स्पॉन्सर। ये जो पूरी पीडीएफ है पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और आराम से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे और एक अच्छी ब्रांच आती है, यहाँ पे आप दिख रहे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी दो है, स्पॉन्सर नॉन स्पॉन्सर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग देना आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है यहाँ पे टोटल 24 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। जैसे आज हमने देखा स्ट्रक्चरल है, कंप्यूटर है, आप देख रहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, और डिजिटल सिस्टम वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम। ये जो पूरा पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको आराम से पढ़ सकते हो और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ ही साथ डिजाइन इंजीनियरिंग, और देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ऑटोमेशन गेट एमई नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए है। साथ ही साथ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आता है प्रोसेस मेटलर्जी, सॉरी मटेरियल इंजीनियरिंग। बहुत सारे ब्रांचेज है यहाँ पे, टोटल जो है 24 ब्रांच है। आप इस वीडियो को आराम से पढ़िए और आपका जो भी गेट मार्क्स आया और गेट स्कोर आया है इसके साथ कंपेयर करिए, यानी आपको पता चल जाएगा कि आप किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ऐसे में रोज आपके लिए जो अच्छे अच्छे कॉलेज है महाराष्ट्र के उनके बारे में, यानी प्रीवियस ईयर कट ऑफ और वहां पे कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, ये मैं रोज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, अपने कलीग के साथ वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।